if you will discuss and prepare your princess to become a woman. प्यूबर्टी के साइंस भी देख लिए. अब जो आज की वीडियो का मेन अवेयरनेस पॉइंट है, जो मेन टॉपिक है, वो यही है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ सिंप्लीफाइड बाय सारिका. तो आज के इस वीडियो का टॉपिक बहुत अलग है. ये है अवेयरनेस के रिगार्डिंग वीडियो. सो मैं बहुत सारे एफबी ग्रुप्स पे अटैच हूँ, आई एम श्योर आप लोग भी होंगे, और आप लोग आजकल देख रहे होंगे कि बहुत सारे एफबी ग्रुप्स पे ये पोस्ट्स आ रही है मदर्स की कि उनके बच्चों के पीरियड्स जल्दी क्यों आ रहे हैं. मेनली हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बेबी का पीरियड आने वाला है, उसके क्या क्या साइंस होते हैं. तो मैं भी बहुत डर जाती हूँ इस बात को लेके, क्योंकि मेरी भी छोटी सी बच्ची है. तो मैंने इस बारे में बहुत डिटेल सर्वे किया, दो चार डॉक्टरों से बात की, एंड मैं खुद एक फार्मासिस्ट हूँ, तो मेरा जितना नॉलेज है वो सभी मिक्सअप करके यूज़ करके जो एक इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, तो वो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. ओके ओके, तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि प्यूबर्टी मतलब क्या. ओके, तो प्यूबर्टी मीन्स चाइल्डहुड टू वुमनहुड की जो जर्नी है उसको हम प्यूबर्टी बोलेंगे. आपके बच्चे की बॉडी में हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से कुछ इंटरनल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस जब आते हैं, तो इसका मतलब हम कंसिडर कर सकते हैं कि प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई है. तो गर्ल्स में प्यूबर्टी का नॉर्मल एज ग्रुप क्या है, 8 टू 13 एज ग्रुप जो है ये नॉर्मल कंसिडर किया जाता है प्यूबर्टी के लिए. ओके, सो फर्स्ट साइन क्या है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है. सेकेंड, प्यूबिक एंड अंडरआर्म हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, छोटे छोटे बाल आना शुरू हो जाते हैं. देन थर्ड, एक्ने और ऑयली फेस, फेस पे बहुत सारे पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत सारे या थोड़े बहुत. एंड फोर्थ, बॉडी ओडर, जैसे कि हम एडल्ट्स का जो बॉडी ओडर होता है वैसे काइंड ऑफ बॉडी ओडर आना स्टार्ट हो जाता है. ओके, तो ये साइंस अगर हमें दिखे तो इसका मतलब है कि प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई है. व्हाट टू डू आफ्टर नोटिसिंग दिस साइंस, ये हम देख लेते हैं. तो ये जब साइंस हमें दिखाई देंगे तो इसके बाद अप्रोक्सीमेटली 2 ईयर्स में पीरियड्स आते ही है, मतलब फर्स्ट ब्रेस्ट टिश्यू डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है. अगर वो आपके ध्यान में नहीं आया तो घबराने की कोई बात नहीं है. आफ्टर ब्रेस्ट डेवलपमेंट के बाद 1 साल के बाद प्यूबिक हेयर एंड अंडरआर्म हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, और इसके 1 साल के बाद एक्चुअल फर्स्ट पीरियड आ जाता है जिसे हम बोलते हैं मेनार्क. ओके, तो नॉर्मली ब्रेस्ट फॉर्मेशन स्टार्ट होने के बाद 2 साल में पीरियड आ ही जाता है. ये साइन नोटिस करने के बाद हम मदर्स की ड्यूटी क्या बढ़ जाती है, तो हमें इस पीरियड में ना, पर्टिकुलरली इस पीरियड में बच्चों के साथ मेंस्ट्रुएशन के बारे में यानी पीरियड्स के बारे में बात करना धीरे धीरे स्टार्ट करना ही चाहिए. सैनिटरी पैड्स क्या होते हैं, धीरे धीरे कुछ एक एक टॉपिक लेके, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा करके हमें इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट करना ही होगा. इफ यू विल डिस्कस एंड प्रिपेयर योर प्रिंसेस टू बिकम अ वूमन, कितनी अच्छी लाइन है ये, क्योंकि चाइल्डहुड से वुमनहुड की जर्नी है ये, तो हमें उनके साथ तो डिस्कस करना ही पड़ेगा, है ना. पीरियड्स आना जितना डरावना होता है उतना ही अच्छा ही तो होता है कि सब नॉर्मल है, इसका साइन ही तो है ये. तो जितने आप आपकी प्रिंसेस के साथ जितना डिस्कस करोगे उतना ही उनके डिप्रेशन एंड एंजाइटी में जाने के चांसेस कम होंगे. क्वेश्चंस बच्चों की तरफ से जो जो क्वेश्चंस आएंगे तो उन्हें चुप नहीं कराना है. अगर आप बच्चों को चुप कराओगे तभी तो बच्चे और ज़्यादा डर जाएंगे एंड और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है ना. इसलिए क्वेश्चन के आंसर आपको जैसे मैनेज होगा, जितना इजी लैंग्वेज में आप आंसर्स दे पाओगे उतना ही इजीली आपको आंसर करना है. ओके, बच्चों के साथ खुद से ये बातें करेंगे, लड़कियां भी अवॉइड ही करेंगी क्योंकि उनको भी ये टॉपिक पसंद नहीं आएगा, मुझे नहीं सुनना सैनिटरी पैड के बारे में, मुझे नहीं सुनना पीरियड्स के बारे में. लड़कियां तो ऐसे करेंगी, लेकिन ये हम मदर्स की ड्यूटी है कि उन्हें पहले ही मेंटली प्रिपेयर किया जाए, है ना. क्योंकि सडनली एक दिन वो वजाइना से अगर उनके ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाएगा तो आप खुद ही सोचो कितना पैनिक हो जाएगी. इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मुझे कुछ नॉलेज नहीं था. आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारी औरतों को कुछ नॉलेज नहीं होगा पीरियड के बारे में, क्योंकि तब ये बातें इतनी खुल के नहीं की जाती थी. घर में ही डिस्कशन नहीं होता था तो ऐसे फ़ोन पे वगैरह कहाँ देखने को मिलता था,
है ना, तो सडनली वजाइना से ब्लड फ्लो स्टार्ट हो गया, तो मैं तो इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी और बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी, बहुत डर गई थी और ये क्या है, ये क्यों है, ये क्वेश्चंस बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो इसीलिए जो हमारे साथ हुआ या जितनी लेवल तक हम डरे तो वो हमारी बच्चियाँ नहीं डरनी चाहिए, इसलिए हमें पहले से ही उनको अगर प्रिपेयर, मतलब बहुत पहले से नहीं लेकिन जब हमें प्यूबर्टी के साइंस दिखाई देंगे तब तो हम बात करना स्टार्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि विद इन अ ईयर या विद इन टू ईयर्स उनका पीरियड तो आने ही वाला है, तो उनको अवेयर जितना हम करेंगे उतना उनके लिए और हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा। ओके, ये हो गया प्यूबर्टी के बारे में, हमने प्यूबर्टी के साइंस भी देख लिए। अब जो आज के वीडियो का मेन अवेयरनेस पॉइंट है, जो मेन टॉपिक है, वो यही है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, बच्चियों के अर्ली पीरियड्स क्यों आ रहे हैं। तो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी मतलब क्या, ये जो अभी हमने प्यूबर्टी के साइंस देखे ये 8 टू 13 एज ग्रुप के लड़कियों में अगर दिखाई दे तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर कोई बच्ची 8 साल की है या 8 साल से छोटी है अगर उसमें ये साइंस दिखाई देंगे तो उसको हम प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में कंसिडर कर सकते हैं, तो ये नॉर्मल नहीं है, इसको इसीलिए प्रिकॉशियस प्यूबर्टी या अर्ली प्यूबर्टी बोला जाता है। तो ये जब साइन हमें बिफोर 8 ईयर्स दिखाई देंगे तो आप क्या कर सकते हो, आप एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाके आपके बेटी का चेकअप करा सकते हो। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के दो टाइप्स हैं, सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी एंड सेकेंड इज पेरिफेरल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। फर्स्ट सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में क्या होता है, हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है तो वहाँ गोनाडोट्रोपिन हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाता है, तो इस हार्मोन की वजह से ओवरीज ईस्ट्रोजन एंड अदर हार्मोन्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है। ओके, ये एक्चुअली नॉर्मल हो जाता है अगर 8 साल के बाद हो जाए तो, लेकिन बिफोर 8 ईयर जब ब्रेन आपको इंस्ट्रक्ट कर देता है आपकी ओवरी को टू मेक और टू रिलीज ईस्ट्रोजन हार्मोन, तो उसका असर ये होता है कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, इसलिए प्यूबर्टी अर्ली दिखाई देती है तो उसको सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी बोला जाता है। तो इस केस में मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, तो आपको आपकी बेटी को एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास लेके जाना। एंड जो नेक्स्ट है पेरिफेरल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, वो कॉमन नहीं है, उसमें ब्रेन एंड ओवरीज इन्वॉल्व नहीं होते। हम जो एक्सटर्नल जो बॉडी लोशन वगैरह लगाते हैं या जो भी पाउडर्स वगैरह लगाते हैं, अगर उसमें बाय चांस हार्मोन्स का प्रेजेंस होगा तो वो हार्मोन्स अगर हमारे बॉडी के कॉन्टैक्ट में आ गए तो पेरिफेरल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी आ सकती है। तो इस प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के साइंस क्या होते हैं, सेम टू सेम एज प्यूबर्टी, क्योंकि प्यूबर्टी ही होना फॉर्म हो जाता है ना, तो इसके साइन वही है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, प्यूबिक हेयर एंड अंडरआर्म हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, बॉडी ओडर स्टार्ट हो जाता है, एक्ने आना स्टार्ट हो जाता है, ये स्टेप बाय स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होती है ब्रेस्ट डेवलपमेंट की। तो अगर किसी मदर को ये ध्यान में आ गया कि उनकी बेटी 8 साल से कम एज की है और उसकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई या प्यूबिक हेयर या अंडरआर्म हेयर ग्रोथ दिखाई दे रहे हैं, तो आपको पेडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास आपकी बेटी को लेके जाना बहुत जरूरी है। तब वहाँ पे ना बोन एज टैली होगा, अगर आपकी बेटी का बोन एज एक्चुअल एज से 2 इयर्स ज़्यादा होगा तो वो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, अदरवाइज ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर प्रिकॉशियस प्यूबर्टी आ गई तो बहुत सारे लड़कियों की हाइट ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, मतलब कुछ कुछ लड़कियां बचपन में हाइट में ज़्यादा होती हैं लेकिन जब ये प्यूबर्टी के साइंस आ जाते हैं, मोस्टली प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के जब साइंस आ जाते हैं, मतलब 8 साल से पहले जब ये साइंस दिखाई देते हैं तो उनकी हाइट ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, एंड दैट्स वाई वो शॉर्ट एडल्ट रह जाते हैं। जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा छोटी होती है वैसे वाली औरतें वो बन सकती हैं। तो ये अवॉइड करने के लिए आपको आपकी बेटी को पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास लेके जाना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे जो भी नेसेसरी टेस्ट्स होते हैं वो टेस्ट हो जाएंगे पहले, एंड अगर ज़रूरत होगी तो ही ट्रीटमेंट देते हैं डॉक्टर, अदरवाइज डॉक्टर खुद से बोलते हैं कि ये जो आ रहा है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी लग रही है लेकिन बोन एज नॉर्मल है तो पीरियड आ जाएगा, आने दीजिए। ओके ओके, तो हर एक माँ चाहेगी
कि मुझे पता करना है कि रीजंस क्या होते हैं इस प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के, क्योंकि नॉर्मल एज में अगर प्यूबर्टी आ गई तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है, लेकिन ये प्रिकॉशियस प्यूबर्टी क्यों आ रही है, तो इसके रीजंस क्या है ये अब हम वन बाय वन देखें। फर्स्ट होता है स्मोकिंग। जिस घर में पेरेंट्स कोई भी एक या दोनों भी स्मोकिंग अगर करते होंगे तो उसका असर आपके बेबी के हेल्थ पे होता ही है। ऑफकोर्स स्मोकिंग की वजह से अस्थमा तो होता ही है एंड अदर हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, तो उसके साथ साथ स्मोकिंग की वजह से बॉडी में इंटरनल चेंजेस भी होते हैं, ये एक रिसर्च के द्वारा सामने आ गया। सेकेंड रीजन है एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक। बहुत सारी मदर्स क्या करती हैं, जो माइक्रोवेव से प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं उसमें खाना गर्म करना, कुछ भी जो हम ब्रेकफास्ट या स्नैक्स वगैरह कुछ भी होता है तो वो उसमें गर्म करना ज़्यादा प्रेफर करती है, क्योंकि उसमें तो लिखा हुआ होता है माइक्रोवेव फ्रेंडली प्लास्टिक कंटेनर्स, लेकिन रिसर्च के द्वारा ये ध्यान में आया है एंड बहुत सारे डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि प्लास्टिक इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर आर हेल्थ एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो बच्चों की बॉडी पे ज़्यादा असर करता है, इसलिए प्लास्टिक का आप जितना हो सके उतना यूज़ टाल ही दीजिए। बच्चों के टिफिन्स, वाटर बॉटल्स, ये जो बेसिक चीज़ें होती है ये भी कटआउट ही कर दीजिए। तो थर्ड रीज़न क्या है, इमोशनल स्ट्रक्चर ऑफ दैट गर्ल। कोई कोई बच्ची ना बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ में होती है, ऑल्दो वो 8 साल की हैं या 8 साल से भी कम एज की हैं, लेकिन फिर भी वो उनको स्टडी का प्रेशर रहता है, कुछ घर का कुछ प्रेशर रहता है, अलग अलग रीजंस होते हैं ना प्रेशर के, तो इन प्रेशर जोन की वजह से भी हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं एंड ईस्ट्रोजन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जहाँ ईस्ट्रोजन फॉर्म हो गया वहाँ प्यूबर्टी के साइंस दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट फोर्थ नंबर इज स्लीप। आजकल स्कूल का टाइमिंग वगैरह भी बहुत सारी जगहों पे डिस्कस तो हो ही रहा है, स्कूल का टाइमिंग बहुत अर्ली होता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे क्लासेस एंड ऑल, तो इन सभी चक्कर में बच्चों की नींद पूरी नहीं होती, तो दिस इज नॉट गुड। सारे बच्चों को नॉर्मली 8 से 11 घंटे तक की नींद बहुत नेसेसरी होती है, ये बहुत बड़ा समय है, लेकिन दिस इज ट्रू। मेरी खुद की बेटी 11 घंटा सोती ही है, उसकी स्लीप साइकिल है वो, तो वो कंप्लीट होनी बहुत ज़रूरी है। अगर वो कंप्लीट नहीं हुई तो बच्चे चिड़चिड़ वगैरह तो करते ही हैं, साथ ही साथ ये जो इंटरनल बॉडी चेंजेस होते हैं ये दिखाई नहीं देते, तो इसलिए स्लीप स्ट्रेस ये चीज़ें तो हम अवॉइड ही कर सकते हैं, है ना। तो स्लीप साइकिल बच्चों की मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, बच्चों की नींद पूरी होना, 8 से 10 घंटा बच्चों की नींद होनी ही चाहिए, तो हमें अगर उनको जल्दी सुबह उठाना है तो रात को उसी अकॉर्डिंगली हमें जल्दी उनको सुलाने की आदत डालनी ही पड़ेगी। और दो आई नो बच्चे कहाँ मानते हैं, कहाँ सोते हैं जल्दी, मेरी खुद की बेटी भी बहुत परेशान करती है, लेकिन हमें पता है ना ये उनकी हेल्थ के लिए अच्छा है, वो जितना ज़्यादा सोएंगे जितना उनका ब्रेन रिलैक्स रहेगा उतनी ही उनकी हेल्थ, सिर्फ प्यूबर्टी के रिगार्डिंग ही नहीं लेकिन बाकी के भी जो हेल्थ इश्यूज हैं वो कुछ नहीं होते। स्लीप है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्लीप की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ दूर रहती है। नेक्स्ट तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अनहेल्दी फूड कंजम्पशन। सभी को पता है जंक फूड की वजह से कितनी सारी बीमारियां आती हैं। जंक फूड लाइक पिज्जा, बर्गर, नूडल्स एंड मेनी मोर हैज एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टिव केमिकल्स एंड उसके साथ साथ ही एक्सेसिव फैटी फूड कंजम्पशन, एक्सेसिव मीट कंजम्पशन एंड एक्सेसिव मिल्क कंजम्पशन ऑल्सो अफेक्ट्स हार्मोन लेवल्स। ऑल्दो मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्रोथ के लिए, मिल्क बहुत सारा इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स एक्सेसिव देते हैं। सुबह का एक ग्लास या एक कप दूध पिया है बच्चों ने, दैट्स इनफ फॉर देम, लेकिन कभी भी भूख लगी है, कुछ घर पे अवेलेबल नहीं है, तो मिल्क देना इज नॉट अ गुड ऑप्शन, इसलिए एक्सेसिव मिल्क कंजम्पशन भी अवॉइड करना चाहिए। एक्सेसिव ईटिंग ऑफ चॉकलेट, एक्सेसिव शुगर, एक्सेसिव जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब अवॉइड कर दीजिए आप। छोटे बच्चों को ये कुछ ज़रूरी चीज़ें नहीं है। हेल्दी डाइट बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो जितना ये हम अवॉइड करेंगे तो प्यूबर्टी ही नहीं बाकी के भी हेल्थ इश्यूज से हम दूर ही रहेंगे, है ना। नेक्स्ट है ओबेसिटी। तो ओबेसिटी कैसे आती है, जंक फूड की वजह से एंड स्क्रीन टाइमिंग की वजह से। बच्चे एक जगह पे बैठ के मोबाइल देखते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, खेलेंगे नहीं या सिर्फ जंक फूड बहुत ज़्यादा ही खाएंगे, तो ऑब्वियसली ओबेसिटी तो आएगी। ओबेसिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से प्रिकॉशियस प्यूबर्टी आ सकती है। एंड प्रिकॉशियस प्यूबर्टी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन जेनेटिक हिस्ट्री ऑफ पेरेंट्स। तो देख लेते हैं कि हाउ टू कंट्रोल और अवॉइड प्रिकॉशियस प्यूबर्टी।
ऑब्वियसली आपको भी ध्यान में आ ही गया होगा, जो जो रीजंस अभी हमने देखे वो रीजंस अगर हम हमारे डे टू डे लाइफ से हटा दें, जैसे अगर थोड़े से हेल्दी है, फैट है, तो उनकी एक्सरसाइजेस लीजिए, उनको ग्राउंड एक्टिविटीज दीजिए, उनको घर से बाहर निकाल के खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ये करना, या स्क्रीन टाइमिंग अगर है तो स्क्रीन टाइमिंग कम नहीं बंद ही करना अच्छी बात है, क्योंकि टीवी और मोबाइल से इतना भी कुछ इम्पॉर्टेंट हासिल नहीं होता, जितना खेलेंगे कूदेंगे बच्चे और वो भी ओपन एयर में, उतनी ही उनकी ग्रोथ बहुत आराम से और हेल्दी हो जाएगी। सो बेसिकली आपके ध्यान में आ ही गया होगा, हेल्दी फूड इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, जो हम रोज़ाना खाते हैं वही हमारे बच्चे अगर खाएंगे तो वो हेल्दी रहेंगे, तो उससे प्यूबर्टी ही नहीं बाकी की भी बीमारियाँ दूर रहेंगी। तो हो गया प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के बारे में, लेकिन एक और टेंशन वाली बात होती है डिलेड प्यूबर्टी, क्योंकि कुछ कुछ लड़कियाँ 13 ईयर क्रॉस कर जाती है या 13 ईयर तक पहुँच जाती हैं, 13 साल तक आ गई लेकिन उनमें प्यूबर्टी के कुछ साइंस ही नहीं दिखाई दे रहे, उनको बोलते हैं डिलेड प्यूबर्टी। लड़कियों को प्यूबर्टी के साइंस ही आफ्टर 13 एज आते हैं, तो उनका पीरियड ऑटोमेटिकली 15-16 ईयर तक शिफ्ट हो जाता है, तो लेकिन अगर प्यूबर्टी के साइंस ही नहीं दिखाई देंगे 13 ईयर तक, तो ऐसे केसेस में भी आपको पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास आपके लड़कियों को लेके जाना होगा, तो वो वहाँ पे बोनेस टैली करेंगे एंड अदर टेस्ट करा के आपको बोलेंगे। डिलेड प्यूबर्टी इज नॉट कोई डरने वाली बात नहीं है, डिलेड प्यूबर्टी में। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे यही मकसद था कि मदर्स में प्रिकॉशियस प्यूबर्टी को, मेनली प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के रिगार्डिंग अवेयरनेस आ जाए, क्योंकि प्यूबर्टी आना इज अ नॉर्मल थिंग, लेकिन प्रिकॉशियस प्यूबर्टी आना इज नॉट अ नॉर्मल थिंग, तो हमें ही थोड़ा सा कुछ आगे होके हेल्प करनी चाहिए हमारे बच्चों की। हमसे कुछ जाने अनजाने में गलतियाँ हो जाती है, प्लास्टिक यूज़ बहुत सारे घरों में हो जाता है, मेरे खुद के घर में भी होता है, तो हम वो तो अवॉइड कर ही सकते हैं, है ना। तो जितने हमने रीजंस देखे तो वो रीजंस हम जितना ज़्यादा कट ऑफ करेंगे हमारी लाइफ से, उतना ही हम हेल्दी लाइफ जिएंगे। एंड इसके अलावा अवेयरनेस के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी मेरी तरफ से, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, एंड इसके आगे मैं और भी ज़्यादा अवेयरनेस के रिगार्डिंग वीडियोस लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करने वाली हूँ। आप जितना प्यार एडॉप्शन की सीरीज को दे रहे हो, अगर उतना ही प्यार इस अवेयरनेस की सीरीज को भी दोगे तो मुझे हेल्प हो जाएगी। ओके, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो इसको शेयर करना मत भूलिए जिनकी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं उनमें। ओके, क्योंकि रीजंस जितने जल्दी वो अवॉइड करेंगे घर में यूज़ करना, तो उतना ही उनकी बच्चियों को हेल्प हो जाएगी। एंड यस, हमने 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर दैट, एंड प्लीज़ आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, सब्सक्राइब करते रहिए एंड वीडियो शेयर करते रहिए। ओके, टिल देन बाय।